वेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी जो ना मिलने की वजह से तुम हेडशॉट मार ही नहीं पाते। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इसी दुख को कम करने के लिए तुम पहुंच जाते हो यूट्यूब और गूगल बाबा पे, और वहां पर मिलते हैं तुम्हें अनोखे वेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी के टोटके। जैसे बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी चाहिए, उठक बैठक करने के बाद 97 कर लो, तुम्हारे हेडशॉट लगने लगेंगे। गजब आदमी है यार। अब तुम्हें कैसे समझाऊं रामलाल, ये 97 उनके डिवाइस पे वर्क करती है, तुम्हारे रेडमी ओप्पो वीवो सैमसंग पे नहीं। तो यही खातिर आज कुछ ऐसा होगा जिससे तुम्हें बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो देखो, अपने पर्सनल डिवाइस के बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी को जानने के लिए कुछ आवश्यक चीजें जो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगी। लेकिन उससे पहले देखो, फ्री फायर में दो टाइप के प्लेयर्स होते हैं, एक जो फायर बटन को बहुत फास्ट ड्रैग करते हैं और दूसरा जो फायर बटन को थोड़ा स्लोली ड्रैग करते हैं। तो कमेंट में मुझे ये बताओ कि तुम कौन सा ड्रैग करते हो। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं। क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम फास्ट ड्रैग करते हो या स्लो ड्रैग करते हो, तुम अपने लिए बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी नहीं ढूंढ पाओगे। तो देखो, अब उसके बाद सीधा चलते हैं अपने हैंड कैम पे। तो तुम्हें सबसे पहले अपने जनरल की सेंसिटिविटी को 80 प्लस रखनी है और अपने एम को ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े इस बंदे के हेड पे रखना है और अपनी स्क्रीन को कुछ इस टाइप से यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट करना है और देखना है कि क्या तुम्हारे 6 प्लस रोटेशन आ रहे हैं। और अगर तुम्हारे पास लो डिवाइस है तो तुम 100 सेंसिटिविटी के बाद भी तुम्हारे 6 प्लस रोटेशन नहीं आएंगे। इसका भी इलाज है और वो है DPI, और किस डिवाइस के लिए कितनी DPI रखनी है उसको भी मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। तुम अपने डिवाइस के ब्रांड के अकॉर्डिंग इस DPI को थोड़ा ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद अब तुम्हारे भी 6 प्लस रोटेशन आ जाएंगे। तुम्हारे 6 प्लस रोटेशन तो आ गए, लेकिन अभी भी तुम्हें परफेक्ट सेंसिटिविटी नहीं मिली कि तुमको 95 रखनी है, 98 रखनी है, 97 रखनी है। उसके लिए तुम्हारा मेन चीज है कि तुम अपने ड्रैग को चूज करो कि तुम फास्ट ड्रैग करते हो या स्लो ड्रैग करते हो, कि जो कि मैंने वीडियो में तुम्हें पहले बताया है। मान लो कि तुम फायर बटन को फास्ट ड्रैग करते हो और तुम्हारे स्क्रीन के 6 प्लस रोटेशन 95 पे आए, तो अब उस सेंसिटिविटी को तुम 5 कम करना यानी कि 90 करना, और 90 करने के बाद अपने एम को ट्रेनिंग में खड़े इस बंदे की हेड पे रखना और फायर बटन को ड्रैग करना। और अगर तुम्हारी बुलेट मिस हो रही है और हेड कनेक्ट नहीं हो रहा, तो सिंपली से तुमको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, और जहां पर तुम्हारी एक भी बुलेट हेड से मिस ना हो हेड पे एम रखने के बाद भी, तो वही तुम्हारी बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी होगी। इसी का उल्टा, अगर तुम फायर बटन को स्लोली ड्रैग करते हो तो तुम अपनी जनरल की सेंसिटिविटी घटाने की जगह बढ़ाओगे। मान लो कि तुम्हारे 6 प्लस रोटेशन 95 पे आए हैं तो तुम उनको 100 करके देखो, 93 पे तुम्हारे 6 प्लस रोटेशन आए तो तुम उसको 98 करके देखो। देखो, ऐसा करने पे तुम्हें टाइम तो लगेगा, लेकिन यही एक टिप्स है जिससे तुम अपने फोन के अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग बेस्ट सेंसिटिविटी चुन सकते हो। और अगर तुम्हें एक बार बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी मिल गई तो तुम्हारे हर जगह हेडशॉट लगने लगेंगे। तो होप यार आज की वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो एक वीडियो को लाइक तो कर देना। तो मिलते हैं तुमको अगली किसी नई वीडियो में, तब तक की बाय बाय एंड टेक केयर।